हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीरीज टॉक्स। ये वीडियो उन सभी फैंस के लिए है जो लोग लव स्टोरी सीजन 2 को देखने वाले हैं। जी हाँ, लव स्टोरीज पार्ट 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और मैंने इस फिल्म को देखकर खत्म कर लिया है। सोच आपके साथ एक छोटी सी रिव्यू शेयर कर दी जाए, क्योंकि ये फिल्म को देखकर लिटरली दोस्तों दिल में ठंडक मिल चुकी है। जी हाँ, पहली फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी लव स्टोरीज की, और दोस्तों नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स में से एक है। लव स्टोरीज 1 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था। आप लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लव स्टोरीज 2 भी बिल्कुल उतनी ही फनी है और उतनी ही मजेदार है। क्यों? वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पूरी अच्छी डिटेल्स बिना स्पॉइलर्स के साथ। सबसे पहले इस फिल्म की कास्ट के बारे में बात करें तो इस फिल्म की कास्ट पहले वाली लव स्टोरीज के मुकाबले पूरी तरीके से नहीं है, और दोस्तों बहुत सारे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस आपको नजर आएंगे। और मेरी फेवरेट इस बार इस सीजन 2 में रही है नीना गुप्ता। उनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और दोस्तों उन्होंने जो माँ का किरदार प्ले किया है इस फिल्म के अंदर, और जिस तरीके से उनको डायलॉग्स दी गई है बोलने के लिए, इतनी ज्यादा फनी लगेगी आपको कि मैं क्या बताऊं। मृणाल ठाकुर और अंगद बेड़ी के बीच में एक बहुत ही आपको अमेजिंग लव स्टोरी नजर आएगी, और साथ ही साथ सेक्स और साथ ही साथ रोमांस भी बहुत ज्यादा नजर आने वाला है। इस फिल्म को फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि फैमिली फ्रेंडली फिल्म तो बिल्कुल नहीं है। आप सबको फिल्म की टाइटल से ही पता ही होगा, बट फिर भी सोचा आपको बता दूं। इस फिल्म की स्क्रीन प्ले बहुत अमेजिंग है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अमेजिंग है। स्टोरी के बारे में आपको स्पॉइलर्स नहीं देना चाहता, इस वजह से आपको रिकमेंड करूंगा इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा। फिल्म के अंदर इमोशनल ड्रामा भी आपको बहुत नजर आएगा एंड में आते आते, साथ ही साथ पूरी तरीके से फिल्म के दौरान आपको इसमें सिर्फ लस्ट और साथ ही साथ कॉमेडी और रोमांस सब कुछ नजर आएगा। इमोशनल धोखा भी थोड़ा बहुत नजर आएगा आपको इस दौरान, लेकिन फिर भी ओवरऑल बात करो तो ये 2 घंटे की जो फिल्म है, मजा आ जाएगा आपको देखकर, और डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। स्पॉइलर्स आपको और नहीं देना चाहता, बस इतना ही कहूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी रिकमेंड कीजिए ये फिल्म को देखने के लिए। लव स्टोरीज पार्ट 2 बहुत अमेजिंग है और आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।